आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। आज बरेली में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस जन विश्वास यात्रा में भारी संख्या में भाजपाई देखने को मिले। अमित शाह दिल्ली से बरेली त्रिशूल एयरबेस से उतरे, जहां से काफिला जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए बरेली के कुतुबखाना पहुंचा। कुतुबखाने से पटेल चौक तक रोड शो चला, जहां एक जनसभा को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा के विधायक और बरेली के भाजपा कार्यकर्ता सहित तमाम भाजपाई शामिल हुए। सबसे अजीब बात यह है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मार दिल्ली महाराष्ट्र सहित पूरे देश में फैल रही है और लगातार ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुनावी रैलियों को लेकर हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस पर रोक लगाने की अपील की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर याचिका दायर की गई कि रैलियों को वर्चुअल किया जाए और अपील की गई कि जान है तो जहान है, मगर इस बात को ध्यान में न रखते हुए अमित शाह का रोड शो जोर शोर से जारी रहा। ओमिक्रॉन के खतरे की फिक्र किए बगैर भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। इस रोड शो में अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद संतोष गंगवार, कैंट विधायक राजेश अग्रवाल रथ में मौजूद रहे। इसी बीच गृह मंत्री ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडों से माफियाओं से कांपता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को समाप्त कर कानून का राज बनाया है। इसके बाद सर्किट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना होंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह का बरेली में रात्रि विश्राम था, मगर अचानक प्रोग्राम चेंज होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि 10:50 पर बरेली त्रिशूल एयरबेस के द्वारा दिल्ली को उड़ान भरेंगे। आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर।